जब संत बाबा कारू के बारह बरस जब मरला भ गए नगर महपुरा में विचार करबे जय माँ बहन के गोदी से भगवान बेटा बेटी छीन ले चाहे गंधा सा गोदी में बच्चा हो या बाल अवस्था में है या तरुण वेश में हो भगवान जब बेटा बेटी माँ के गोदी से छिनली छई श्रोता भगवान जब तक ठाकुर जी जब तक भगवान वही माँ के गोदी में दोसर बेटा बेटी दे छे ता तक अशोक के समुद्र में डूबल रहे जय माँ के बेटा के भगवान जवानी बे समय है मिल गई विधि की विधान के दुनिया में कोई नहीं मिटा सके छे जय लोक में अखन अहां हम सारा संसार जय लोक में बसर कर रहल छे गुजर कर रहल छे एकरा कहल जाय छे सरकार मृत लोक और मृत लोक के अर्थ होय छे जन्म लेना और समय सीमा के मुताबिक मर जाना भगवान सब ढंग के मौत ब्रह्मा जी संसार में लोग पछतावे फल्ला के एक गो बेटा रहे गाड़ी से जाए रहे एक्सीडेंट के अगले रास्ता में हाँ भगवान केना नहीं करना चाहिए तो बुझियो ब्रह्मा जी जय जय उनकर मौत लिख लेल के ब्रह्मा जी उतनी ही दिन तक संसार में वही बच्चा के रहे लिखल के रहा ते ब्रह्मा जी वही जगह पर जय जगह पर भगवान मौत लिखे छे मानव वही जगह पर जाके मरे छे रावण शास्त्र नहा सब सुने हेबे डाक से बुधियार डाक से होशियार डाक से काबिल लोग नहीं रहे तो डाक के मरना रहे मगह में मरे के डर से डाक ब्रह्मा जी लिख दिल के रहा जे मगह में जे पोखर रहे वही पोखर में डाक तू स्नान करे ले जे हो अपना हिंदू में टीक रखे छे तो सारा टीक डाक कटा लेने रहे मात्र एक बाल रखने रहे जा अगर भविष्य के लिए वो पोखर के जाठ में जब हमारी बाल ओझराइयो जते त अपना बोलो पूर्वक हम तोड़ लेबे आ मरे के डर से डाक काशी में जाके बैस गेल थे काशी चल जे हो चौपाय में सुनने हैं बे एक समय हरि घोड़ा भयो ब्रह्मा भयो पलान चाम सूरज लगमा भयो चढ़ गए चतुर सुजान अयो हम जानत हूं डाक निर्बुद्धि या काशी से लोके मगह में पट मगह में पट तहिना ब्रह्मा जी जी हो बाबा कारू का अधरी में लुल्ही बाघिन के हाथ से मौत लिखने रहे माँ गहिन के गो बीच में माध्यम कमला और गहिन बीच में माध्यम बन गेले अब बाबा कारू के अधरी में जब बाघ धै लेलके बारह बरस आय मरला भ गेले श्रोता भगवान कारू बाबा
जही दिन छोला नगर महपुरा में छोड़ दिल कई वही दिन त्रिलोकनाथ आधरधानी बाबा भोला जखन उनकर चेतन शक्ति ऐ शरीर से निकल ले तखनी भोला बाबा कारू के बसाह पर बैठा के झाड़ीखंड बाबा बैजनाथ के दरबार पर आए बाबा कारू झाड़ीखंड में बैसलिए जय माय के गोदी महपुरा नगरी में सुना भेलै भेलै पिता के वियोग में नगर महपुरा 12 बजे रात में
चारू बुआ जी अंतर ध्यान में मृत लोक में ध्यान लगने रहती बाबा जी ध्यान मती पर जा भगवान यो आय पाय के कान देख श्रोता भगवान अरविंद यादव ग्राम सुनवर्षा से बड़े श्रद्धा दिल से ठाकुर जी श्री हरि ठाकुर जी के दरबार में 51 रुपए का पुरस्कार है। अरविंद कुमार को बाबा धनराज माँ भगवती माँ सरस्वती की ओर से लाख लाख धन्यवाद है। ऐसे बच्चे को माँ विद्या के भंडार दें, माँ सरस्वती उनके भंडार को भरे। और आप हैं राजू यादव सुनवर्षा की ओर से श्री हरि ठाकुर जी के दरबार में 51 रुपए का पुरस्कार है। ऐसे श्रद्धाल के समस्त परिवार को बाबा धनराज माँ भगवती को लाख लाख धन्यवाद। कारू बाबा जी माय के कानप के देखे छे सुने छे कारू बाबा ई भगवान जे हो बाबा भोला दरबार में बिलेख बिलेख के कानै छै बाबा कारू जी झाड़ी खंड में कान नहीं रहे तो संत सम्राट बाबा कारू के कानव से भोलेनाथ के कैलाश दौड़ गए। वही समय में भोलेनाथ शांत मुर्मुर मंत्र में सुसल रहते हैं माँ भवानी की साथ कैलाश में जहना भोलेनाथ के आशीष दौड़ रही है कि भोलेनाथ के नित्य टूट रही है। भोला बाबा चौक के उठे माँ भवानी कलखिन हे नाथ यहाँ अचीत अवस्था में उठलिए ऐसे अवस्था में तहाँ कभी जागे नहीं आए बड़ा देखे अचीत अवस्था में हाँ जागलिए। भोला बाबा कलके हे भवानी संकट विपत पराल छे बड़ा करुणा से हमरा बजा रहल ये हे श्रोता भगवान ध्यान देवे भगवान के दर्शन करे खातिर एक पग जब उठावे छे तब भगवान सात पग दौड़ के भगवान लग आवे छे
भोलेनाथ तुरंत बस हाथ डोरी पकड़े छे, बस हाथ पर मृग छाला दे छे, हाथ में डमरू त्रिशूल लइए भोला बाबा बस हाथ पर सवार होइए। श्रोता भगवान यहो डम 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 बाबा डम तू बता दीवाना घर रोहिया की ओर से 30 रुपए का दान दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद मालिक की ओर से। और आते हैं उमेश ठाकुर रोहिया की ओर से भी श्री हरि ठाकुर जी के दरबार में 21 रुपए का दान है मालिक की ओर से, लाख लाख धन्यवाद। झाड़ी खन में कहां आ नहीं रहे भगवान